मीटर कंसोल पर पूरी लाइट आ रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। अब आप बछामदी मोटर्स की सर्विस देख लो, ये हमारे प्रदीप भाई साहब, सुबह रात को फ़ोन किया क्योंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाऊंगा, और ये हमारा छोटू। तो कल हो गई हमारे संग चोट और हमारी लाड़ों ने दे दिया हमको धोखा, और कल हम जब अपनी दुकान से वापस आना चाह रहे थे रात को 7:30-7 बजे के आसपास, तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। एक बार स्टार्ट हुई लेकिन तुरंत बंद हो गई। अब बैटरी का इशू है या हाई का इशू है कुछ पता नहीं है। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अभी हो रहा है टाइम 9:52। तो गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र, आपका फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ते में क्या खा रहा हूँ? पराठा, चाय। और सर्विस सेंटर से फ़ोन आ चुका है, करीब 10 मिनट बाद एक टेक्नीशियन आएगा और वो मेरी हिमालय को देखेगा। अगर हिमालय अगर हो गई सही तो जाएंगे ऑफिस, और नहीं तो फिर कोशिश करेंगे उसको आज सही कराना है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से टेक्नीशियन का इंतज़ार करके नीचा सीधा मिलता हूँ मैं आपको, बाय। तो एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ टेक्नीशियन का, अभी आए। उससे पहले मेरे दो बहुत चहेते सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, यह समझ लो छोटे भाई जैसे हैं, और ये दोनों भाई हैं, और इनसे पूछ लेता हूँ मैं हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है तेरा? मेरा विष्णु चौधरी। विष्णु चौधरी इसका नाम है। और ये भैया? मेरा रंजीत खेमरा। रंजीत खेमरा, कैसा लगता है मेरी वीडियो देखे? बहुत शानदार। ऐसा होना चाहिए कि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, लगता है कुछ ऐसा? अभी तो आपकी शुरुआत ही है। शुरुआत है, सही कह रहा है, बहुत आगे जाना है। और अभी इनका थोड़ा सा फोटो सेशन कर देता हूँ बाइक पे, और फिर अपन वेट करेंगे टेक्नीशियन का, और लाड़ू को दिखाऊंगा मैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली इस बाइक में प्रॉब्लम ये आ गई, वहाँ शोर बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड पे भी चल रहा है, सीवरेज लाइन डल रही है, घर में भी काम चल रहा है, लाड़ू की बैंड बजी पड़ी है, सारी गंदी हो रही है, उसको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं। तो अभी मैं जब जिसमें चाबी लगा के दिखाऊंगा ना, तो बिल्कुल लगता है बैटरी सही है, लेकिन बहुत से पूछा तो मैंने, वो कह रहे हैं कि बैटरी ख़राब है। तो चार्ज बैटरी पर लाइट आ रही है, मीटर कंसोल पर पूरी लाइट आ रही है, कुछ लाइट जलाते हैं, हेडलाइट वगैरह जलाते हैं तो वो भी जल जाती है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइट जल रही है, सब काम हो रहे हैं, लाइट जल रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, आज इसको करवाते हैं। फ़ोन आ चुका है, आने वाला होगा टेक्नीशियन, बस इंतज़ार ही हो रहा है, और उसके बाद फिर सही कराएंगे, फिर नहीं बताऊँगा मैं अगर कोई क्या बात होती है इसमें, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई। अब आप बछामदी मोटर्स की सर्विस देख लो, ये हमारे प्रदीप भाई साहब, सुबह रात को फ़ोन किया क्योंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाऊंगा, और ये हमारा छोटू रॉकी आ चुका है, और देख रहे हैं इसको, बैटरी पहले चेक कर रहे हैं। मुझे भी डाउट है बैटरी में, कई दिन से महसूस कर रहा था शायद बैटरी चार्ज नहीं हो रही, हो सकता है 2-2.5 साल हो गए इस बैटरी को, शायद 2.5 साल ही चलती होगी। युधिष्ठिर भाई साहब, हमारी मोहब्बत, हमारे युधिष्ठिर भाई साहब भी हमारे पास आ चुके हैं, स्टार्ट करके तब लेंगे हमारी लाड़ू को। तो अब यहाँ से अगर बैटरी में इशू हुआ, और बैटरी लेके आए हैं एक्स्ट्रा स्पेशल, और इसको चेक कर लेंगे, अगर बैटरी से स्टार्ट हो गई तो सीधा कुमेर गेट, और बैटरी लाएंगे और डलवाएंगे। ट्यूर प्लान चल रहा है, शायद कहीं जाने का मूड बन रहा है 5-7 दिन का ट्रिप पे, तो उससे पहले अगर ये समस्या सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे विक्की भैया जी, रॉकी भैया, रॉकी भैया हमारे लगे हुए हैं, चाबी हमने जेब में रख ली है, और लो भाई साहब हमारी चाबी। इसकी उम्र पे मत जाना, ये छोटा है लेकिन खोटा बहुत है, सारे काम कर लेता है। हाँ ये छोटे तो जो कह रहे, उम्र नहीं लंबाई, लंबाई पे मत जाना। हाँ बैटरी गई, बैटरी गई 2,500 रुपये के आस, 2,000 रुपया क्या, 2 या 2,500 के आसपास के आज सभी लग गई, 1800-1800 एमरॉन की डल रही है, पहले इसमें शायद अस्सी बार एमरॉन की ही डलवा दी,
देखिए भाई स्टार्ट हो गया, पता चल गया है कि बैटरी का इशू है, 2.5 साल चल गई बैटरी, आई थिंक तो ठीक है। और ये अच्छी बात है कि पहले पता चल गई लॉन्ग राइड से, तो अब इसको जाएंगे कुमेरी गेट लेके बैटरी लेके आएंगे और डालेंगे और फिर हमारी लाड़ो एकदम एग्जैक्ट रेडी। चलिए फिर इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करूँगा, उससे पहले पछांदी मोटर्स के लिए थैंक यू कि उन्होंने मेरी बाइक को मेरे घर पर सर्विस दी है, और इससे अच्छी कोई बात नहीं है हमारे प्रदीप भैया। डिस्क्रिप्शन में मैं एक बार फिर पछांदी मोटर्स का एक नंबर डाल दूँगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इनको। और ये हमारा छोटू रॉकी, इनका टेक्नीशियन, इसकी लंबाई में मत जाना, ये छोटा है लेकिन खोटा बहुत है, सारे काम जानता है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, बाइक में बैटरी बदलेगी, लॉन्ग रूट की तैयारी हो रही है। युधिष्ठिर भाई साहब हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे घर पर आ गए, उन्होंने कहा कि मैं 2 तार की व्यवस्था रखूँ, मैं आज इसको चालू करके आऊँगा और फिर कुमेरी गेट से बैटरी लेके आएंगे। ये मोहब्बत है, उनका प्यार है हमारे लिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बने रहना मेरे साथ, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, बाय।